हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है समृद्धि मिथिला कला, जिसमें हम मिथिला पेंटिंग से जुड़ी हुई बातों को करते हैं और चित्रों को बनाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम अभी कोबर बना रहे हैं और इसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में ही बताया था कि मैं इसे चरणबद्ध तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी, थोड़ा थोड़ा वर्क आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप भी साथ बना सकें। तो उसी क्रम में आज मैं फिर से एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि हमने जो अरिपन बनाया था बीच में, आज मैं उसके साइड में जो है तोते ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसे ही छोटे छोटे तोते ड्रॉ करते हुए हमने इस पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट किया और अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमने चारों ओर इन तोतों को बनाया है और शिव पार्वती और राम सीता जो दूल्हा दुल्हन के रूप में है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ पिछले वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। तो अब उसके आगे जो भी काम मैं करने वाली हूँ और ये जितना वर्क कंप्लीट होने वाला है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें अभी जो आप मुझे बनाते हुए देख रहे हैं ये हम सूरज बना रहे हैं। कोबर में मेनली सूरज बनाया जाता है, उसका कारण है कि ये दर्शाया जाता है कि ये जिस वर वधु की शादी में जिस कमरे में ये लगा है उन वर वधु की शादी के सूरज भी साक्षी हैं। यानी यहाँ पे हम सूरज बनाएंगे, चांद बनाएंगे, नवग्रह बनाएंगे और नव बनाएंगे। नवग्रह का मतलब तो वो नवग्रह हैं जो कि हमारे ग्रहों में गिने जाते हैं पृथ्वी के साथ, लेकिन जो नव बनता है वो इसलिए बनता है कि वो ग्रह जो अभी तक जानकारी में नहीं आए हैं पर हम उनकी उपस्थिति को नकार नहीं सकते, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ नव को भी ड्रॉ किया जाता है। तो अभी मैं सूर्य ड्रॉ कर रही हूँ। आप देखेंगे इसमें हम मानव जो है वो चेहरा बनाते हैं, क्योंकि मैं पहले भी कई बार इस विषय की चर्चा कर चुकी हूँ कि मिथिला में जितने देवता हैं उन्हें ईश्वर से ज़्यादा एक मेहमान के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में जो है उनकी पूजा की जाती है, उनकी जो है आराधना की जाती है। इसीलिए हर चीज़ को, हर जो भी प्रतीक है हमारे, जिन्हें जो पूजनीय हमारे, जो हमारे जीवन में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिनसे हमारे जीवन में जो है बदलाव आते हैं या जिन पर हमारा जीवन निर्भर करता है, उन सभी चीज़ों को हम पूजते हैं और उन्हें हम मनुष्य रूप में पूजते हैं। तो यहाँ आपने देखा मैंने ऊपर सूर्य बनाया जिसमें हमने चेहरा बनाया है सूर्य का, और अब नीचे जो मैं बना रही हूँ इसे हम नव कहते हैं मिथिला में। इसमें आप देखेंगे इसमें भी मैंने एक चेहरा बनाया है। इसे अनेक प्रकार से बनाया जाता है जिसमें से एक प्रकार से मैं अभी इस कोवर में बना रही हूँ। इसमें हमने एक मानव चेहरा बनाया है और उसके ऊपर आप देखेंगे मैंने सात पत्तियों टाइप का जो है वो ड्रॉ किया है। वो सात ग्रहों को जो है रिप्रेजेंट करता है। ये नंबर 5 भी होता है, 7 भी होता है, क्योंकि उनका एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता इसीलिए बस उसे बनाया जाता है। और नव का चेहरा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो मैं बना रही हूँ वो है केले का पेड़। आपने देखा होगा पूजा में जिस दिन बृहस्पतिवार के दिन जो है केले के पेड़ की पूजा की जाती है, और पूजा में केला एक मुख्य फल के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें विष्णु भगवान का वास होता है। और केले का एक और कारण है कि केले के हम बीज नहीं लगाते, ये स्वयं अपनी जड़ों से उत्पन्न होता है और लगातार विकसित होता है। यानी एक बार पेड़ लगा दिया गया तो फिर उसमें से पेड़ खुद ब खुद उत्पन्न होते रहते हैं। तो एक तरीके से ये वंश वृद्धि को भी रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम केले के पेड़ को भी कोवर में बनाते हैं। अभी इससे पहले आपने मुझे देखा वो मैं पान की लत्ती बना रही थी। पान घर भी बनाया जाता है और पान की लत्ती भी, पान भी पूजनीय है इसीलिए पान को भी ड्रॉ किया जाता है। अभी जो आप मुझे बनाते हुए देख रहे हैं फ्रेंड्स वो है बॉर्डर। आपने देखा होगा हमारे बॉर्डर की लाइन जो थी वो ब्लैंक थी, तो मैंने उसमें बॉर्डर कम्प्लीट किया है। थोड़ा जो मेरा वीडियो है वो आपको थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि हमने इसे बहुत से हिस्सों में बनाया है और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनती है तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी बोरिंग ना हो, मुझे इस बात का भी ध्यान रखना था। फ्रेंड्स अभी हमने राइट कॉर्नर में सूर्य, नव और केले का पेड़ बनाया। शिव जी के ऊपर हम बेल का पेड़ ऑलरेडी बना चुके थे और अभी मैं इसके जो लेफ्ट कॉर्नर है उस पर मैं चांद ड्रॉ कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि इन सब को साक्षी रूप में ड्रॉ किया जाता है कि ये सभी इस विवाह के साक्षी हैं, जिस कमरे में ये लगे हैं उस वर वधु के विवाह के
साक्षी के रूप में और आशीर्वादकर्ता के रूप में ये सारे उसमें ड्रॉ किए जाते हैं। तो सूर्य आपने देखा मैंने गोल ड्रॉ किया था, और चांद को मैंने यहाँ नीचे जैसा शिव जी के मस्तक पर चांद होता है उसी टाइप का शेप दिया है, और इसे भी हमने मनुष्य का चेहरा दिया है, क्योंकि मैं कारण आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हर चीज़ को मनुष्य के चेहरे के रूप में ही सोचा जाता है और इसीलिए उसे बनाया भी जाता था। तो अभी यहाँ मैंने ये चांद ड्रॉ किया है, और अब इसकी डिज़ाइनिंग के बाद हम ठीक इस चांद के नीचे जो है वो नवग्रह बनाएंगे, जिसमें हम जैसा हमने नव में चेहरा बनाया था सेम टू सेम वैसा ही चेहरा बनाएंगे, लेकिन उसके सर पे जो हमने सात पत्तियाँ बनाई थी इनके सर के ऊपर जो मुकुट का रूप हम देंगे उसमें हम नौ पत्तियाँ बनाएंगे। ये नौ पत्तियाँ नवो ग्रहों को रिप्रेजेंट करेंगी, और ये नवो ग्रह भी इस विवाह में जो है साक्षी हैं, उपस्थित हैं, इस चीज़ को ये पिक्चर दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने जो कुछ भी बनते हुए देखा है उसे क्यों बनाया जा रहा है इस बात को आप बेहतर से जान पाए हैं, और अगर आपको लगे कि नहीं आपको कुछ अपनी ओर से भी पता है और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई और कारण भी जानते हैं आप इन तस्वीरों का इसमें बनाए जाने का, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने ये नवग्रह ड्रॉ किया है, और अब मैं जैसा मैंने बताया था कि सर के ऊपर मुकुट के रूप में हम नवग्रहों को दिखाएंगे, तो वही मैंने बनाया है, और सब में एक ही जैसी कलरिंग और शेडिंग हमने की है, और अब बाकी ग्रहों की तरह बाकी जो भी डायग्राम हमने बनाए थे उन्हीं की डिज़ाइन की तरह हम इसकी डिज़ाइनिंग को भी कम्प्लीट कर लेंगे। अब ये जो मैंने नवग्रह ड्रॉ किया है ठीक इसके नीचे मैं एक बाँस का पेड़ ड्रॉ करूँगी। बांस का पेड़ नहीं होता, बांस स्वयं में पेड़ होता है, तो बस उस बांस को एक विशेष जो है प्रकार की आकृति में मिथिला पेंटिंग में बनाया जाता है मधुबनी पेंटिंग में, तो वही मैं बना रही हूँ अभी। यहाँ मैंने बीच में एक स्ट्रेट पिलर टाइप बनाया है, और जैसे बांस की डालियाँ निकली होती है पतली पतली आपस में एक दूसरे से उलझती हुई, कुछ उसी को दर्शाने के लिए इस टाइप के डिज़ाइन का जो है वो प्रयोग किया जाता है, और ये डिज़ाइन हम दोनों साइड बनाएंगे, और अक्सर बांस के जो झुरमुट होते हैं उनमें आपको पक्षी बैठे हुए ढेर सारे मिलेंगे, तो उन पक्षियों को भी हम यहाँ ऊपर जो है वो दिखाएंगे। इसमें पक्षी जो है वो चंचलता का और खूबसूरती का प्रतीक के रूप में बनाए जाते हैं, जैसा कि आपने देखा कि मैंने अरिपन के चारों ओर भी तोता बनाया है, तो तोता कहीं ना कहीं जो गोबर है उसमें चंचलता का और खूबसूरती का प्रतीक होता है, आकर्षण का प्रतीक होता है। तो हमारा जो ये बांस का पेड़ है ये भी अब पूरा होने को है, और बांस जो है वो मुख्यतः वंश वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है, वंश की वृद्धि होगी इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको केले की विशेषता बताई वैसे ही बांस के साथ भी है, बांस को एक बार लगाने के बाद फिर दोबारा उसके रखरखाव को नहीं देखना पड़ता, वो स्वयं विकसित होता है। अभी जो मैं बना रही हूँ आप देख पा रहे हैं ये कलश का रूप है, और इसे मिथिला में कुरहर कहा जाता है। दूल्हा दुल्हन विवाह के पश्चात जिस कमरे में रहते हैं उसे कोहबर घर कहा जाता है, और उसमें ये कलश रखा जाता है इसे कुरहर कहते हैं, और ये शिव जी का प्रतीक होता है, और इसके जस्ट बगल में जो आप बनते हुए देख रहे हैं ये एक बर्तन होता है जो इसी प्रकार का शेप होता है उसका, उसके ऊपर कलश की तरह गला नहीं बना होता, और एक ढक्कन होता है जो हमेशा खोल के रखा जाता है, और ये इसे पातिल कहते हैं, और ये पार्वती का प्रतीक है यानी शक्ति का प्रतीक है, उसके अंदर एक दिया जलता रहता है जो 2400 घंटे जलता रहता है, और ये दोनों ही शिव और पार्वती को रिप्रेजेंट करते हैं कोबर घर में भी और कोबर के पोस्टर में भी। अभी जो मैं बना रही हूँ ये कदम्ब का पेड़ है, और मिथिला पेंटिंग में कदम्ब के फल कुछ इसी प्रकार से बनाए जाते हैं, तो हमने एक डाल बनाई है और उसमें कदम्ब का फल बनाने के बाद अब मैं उसमें पत्ते बना रही हूँ। कदम्ब का पेड़ भी बनाया जाता है क्योंकि कान्हा जी की लीलाओं में कदम्ब के पेड़ का विशेषतम वर्णन है, जिसे ये पता लगता है कि ये उन्हें बहुत प्रिय थे, तो उन्हीं को दर्शाने के लिए कदम्ब का पेड़ भी उसमें बनाया जाता है। और अब सूर्य के बगल में राइट साइड में जो हमने सूर्य बनाए थे उसमें कुछ जगह खाली थी, जहाँ अभी मैं लौंग का पेड़ ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें हम पूरा पेड़ ना ड्रॉ करके केवल कुछ डालियों को दिखाते हैं, जहाँ आप लौंग को बनते हुए देख रहे हैं। ये लौंग का पेड़ जो है ये गोबर में निरोगता को
जो है वो दर्शाता है, का प्रतीक है। ये इस आशीर्वाद के रूप में बनाया जाता है कि दूल्हा दुल्हन जो है वो कभी किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो, और ये पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए शुभ भी हो। तो फ्रेंड्स, इसके कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे अपने इस पोस्टर के अब तक का फुल लुक, ये अभी ऐसा दिख रहा है। और बस एक और पार्ट पे आप इसे कंप्लीट होते हुए भी देखेंगे और इसके बारे में सारी जानकारियां भी मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पेंटिंग बनाते रहें। धन्यवाद।